अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपका भाई नसीम सिद्दीकी। मैं आपके बीच में एक पैगाम देने आया हूँ कि कब तलक हव्वा की बेटियां इज्जत गवाती रहेंगी, कब तलक माए अपने सपूतों को कटवाती रहेंगी, कब तलक बस्तियां जलेंगी, कब तलक धर्म बिखरेगा बाजारों में, कब तलक नफरतों की आंधियां हमारी बस्तियां जलाती रहेंगी। अरे कल भी चुप थे, आज भी चुप हो गए तो कब बोलोगे? अब ये बोलने का वक्त है मेरे भाई, खुलकर बोलोगे कि सुनो जालिमो, सुनो जालिमो, तुम्हारे जुल्म की दीवारों को तोड़कर दिखलाएंगे, जालिमो तुम्हारे पर हदों से गुजर जाएंगे, तुम बिछा दो हमारे राहों में कांटे, हम उन कांटों पे भी चल कर दिखलाएंगे, क्योंकि मजबूरियों में जीना तौहीने जिंदगी कहलाती है, हमारे खून में शामिल है खून टीपू का, और हम तुम्हें यह बतलाएंगे कि आसमानों से रंगे सफक खींच लेंगे, क्या देखते हो दस्ते सितम की तरफ, अगर तुम हमें हक न दोगे तो तुमसे हक छीन लेंगे, तुमसे हक छीन लेंगे। मेरे भाई, अगर इन लोगों की गंदी सोच से, जो ये लोग गंदी साजिशें रच रहे, अगर इनकी गंदी जहन से, इनकी गंदी सोच से आजादी चाहिए, तो मुझे और आपको इन जालिम हुकूमत के खिलाफ बगावत करनी पड़ेगी और खुलकर बोलना पड़ेगा मुझे और आपको कि हाँ, मैं बागी हूँ इन रस्मों से, इन रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से, जो जुल्म की कोख से जलते हैं, इंसानी खून में पलते हैं, जो औरतों को नचवाते हैं बाजारों में, औरत को बाजार की जीनत बनवाते हैं, फिर उनकी अजमत के खातिर ही ये लोग तहरीक को चलवाते हैं, इन जालिम बदकारों से, ये जुल्म के पहरेदारों से, हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, हाँ मैं बागी हूँ, जो महलों में रहते हैं बात गरीबों की करते हैं, इन मक्कारों के सरदारों से, हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है, मुझे मौत से क्यों डराते हो, मैं मौत के खातिर जिंदा हूँ, मेरे खून का सूरज चमकेगा, हर बच्चा बच्चा बोलेगा हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। मेरे भाई, आपको और मुझे बोलना पड़ेगा, और सलाम करियो उस बहन को जिसने भगवा गुंडों के सामने, हुकूमत के सामने अकेली एक शेरनी की तरह धाड़ते हुए अल्लाह अकबर का सदा बुलंद करते हुए उन जालिमों का एहसास करा दिया कि हाँ, हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारी पहचान है, हिजाब हमारे रब का फरमान है, हिजाब फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहना था और हम भी पहनेंगे और ता कयामत तक पहनेंगे, कोई हमारे हक से हमें महरूम नहीं कर सकता, ये हमारा हक है और ये हमारी आजादी है, अगर तुम इस आजादी को छीनना चाहोगे तो हम रोडों पर आएंगे, सड़कों पर आएंगे, अपने जानों का नजराना पेश करेंगे, लेकिन हम अपने हक को नहीं भूल सकते, हम अपने हक को छीन कर रहेंगे, और मुसलमानों तुम्हें पहचानना होगा कि तुम वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो, उपरदम तोड़ देगी टूटी हुई शमशीर के साथ, अगर तुम निकल जाओ नारे तकबीर के साथ और नारा बुलंद करो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो नारे लगाए अपने भगवान के, लेकिन तुम अपने अल्लाह का नारा लगाते रहो, और जालिमों को बताओ कि हम तुम्हारे आगे डरने वाले नहीं, हम तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं, हम अपनी आंखों से, अपनी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे अल्लाह अकबर, ना हम अपना हक छीनने देंगे, ना अपना हुकूक छीनने देंगे। और सलाम करिए उन बहनों को जिन बहनों ने कर्नाटक की सरजमी पर ये बता दिया उम्मत मुस्लिमा को कि तुम्हारी बेटियां भी जज्बे वाली है, तुम्हारी बेटियां भी हिम्मत वाली है, तुम्हारी बेटियां उन जालिम भगवा गुंडों के सामने आंखें मिला सकती है, किसी से घबराने वाली नहीं। मेरे भाई, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करे, अल्लाह उन्हें हिम्मत दे कि तू अपने हक के लिए लड़ सके, और उनके हक के लिए हमें भी लड़ना है, हमें भी आवाज उठानी है मेरे भाई, और हुकूमत को बताइए कि हमारा हक तुम हमसे नहीं छीन सकते।